हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। आज है हमारे इंग्लिश सेशन का थर्ड डे और आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में प्रोनंसिएशन के बारे में, यानी अंग्रेजी में हम उच्चारण कैसे करेंगे ये आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबाएं, जिससे चैनल पे जब भी वीडियोस अपलोड होंगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजी स्वरों यानी वोवल्स का उच्चारण समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स यानी स्वर और व्यंजनों के बारे में हमने पिछली वीडियो यानी 12th डे वाली वीडियो में पढ़ा था और वहां पे हमने ये भी सीखा था कि वोवल्स कौन से हैं, कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं और कैसे कैसे उनका प्रयोग होता है। अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो को देख लें, क्योंकि जब तक आप वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स नहीं समझेंगे तब तक आपको ये प्रोनाउंसिएशन भी समझ में नहीं आएगा। तो जो वोवल्स होते हैं उनका जो उच्चारण होता है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक वोवल का अलग अलग उच्चारण होता है। अंग्रेजी स्वरों के उच्चारण में बड़ी विविधता होती है। जैसे ए का उच्चारण आ ए आई ए होता है, ई का ए ई तथा ई होता है, आई का उच्चारण ई भी होता है, आई भी होता है, अ भी होता है, आई भी होता है, ओ का उच्चारण ओ आ उ अ और यू का उ और अ भी होता है। तो आज की इस वीडियो में हम ये सभी पढ़ेंगे कि ए आई ओ यू ये पांचों वोवल्स का उच्चारण कैसे कैसे होता है। तो शुरू करते हैं ए से। तो ए के उच्चारण के नियम क्या क्या हैं? ए के उच्चारण बहुधा ये होते हैं, ए आ और ए, आई आ और ए। तो पहले हम ए के उच्चारण बहुधा ये होते हैं, ए आ ए। तो पहले हम ए का ए के रूप में उच्चारण पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि जैसे यहाँ पे आप देखो ए इज इक्वल टू ए, फिर यहाँ पे एक सिंबल आपको दिया गया, ये वाला सिंबल। ये सिंबल आप हमेशा ध्यान में रखते हुए चलना, क्योंकि जब भी आप डिक्शनरी में देखोगे तो डिक्शनरी में आपको वर्ड के साथ साथ उसकी मीनिंग मिलती है, यानी शब्द का आपको अर्थ मिलता है, लेकिन अर्थ के साथ साथ डिक्शनरी में उस शब्द का आपको उच्चारण कैसे करना है वो भी लिखा होता है। या फिर अगर आप नेट पे भी सर्च करोगे तो वहां भी आपको उच्चारण के बारे में जानकारी मिल जाती है। इस तरीके के सिंबल्स का यानी इस तरीके के जो चिन्ह हैं इनका यूज किया जाता है उच्चारण बताने के लिए कि किस तरह का उच्चारण आपको करना है। ए का उच्चारण ए के रूप में आता है, जैसे एन, एट, लैड, रैट, मैन, स्टैंड, मैड, बैन। इस तरीके के वर्ड्स में जो हमने ये वर्ड्स देखे, ऐसे वर्ड्स में हम ए का उच्चारण ए के रूप में करते हैं, क्योंकि हम इसे एन और एट, रेट, मेन ऐसे नहीं बोलते, हम रैट बोलते हैं, ना कि हम रेट बोलते हैं। फिर ए का उच्चारण और क्या होता है, ओ, ओ एज इन ऑल, वॉल, फॉल, वॉर, कॉल, स्मॉल। तो ऐसे वर्ड्स में ए का उच्चारण आता है ओ के रूप में। फिर ए का उच्चारण आता है आ के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे फार, आर, स्टार। फिर ए का आता है ए अ के रूप में, ए अ, जैसे वेयर, स्पेयर, फेयर, केयर, देयर, देयर, शेयर। फिर ए का उच्चारण होता है ए के रूप में, जैसे। तो यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात है, यदि ए के बाद वाई या आई का प्रयोग होता है तो उसका उच्चारण ए के समान हो जाता है, पर यह ए कुछ लंबा उच्चारण देता है। तो अगर वाई या फिर आई के पहले अगर ए लगा होता है तो उसका ए के तरह ही उच्चारण होता है, लेकिन ये कुछ लंबा जाता है, जैसे पे, वे, स्टे, गे, ब्रेन, मेन। तो यहाँ पे जहां जहां वाई और आई के पहले ए लगा तो ए का ही उच्चारण आया, लेकिन वो थोड़ा लंबा होता है। अब यहाँ पे जैसे अगर ये वाई और आई के साथ नहीं होता तो उच्चारण छोटा होता। अब हम पढ़ते हैं ई के उच्चारण के नियम। तो ई के उच्चारण क्या क्या होते हैं, ए, ई और ई, यानी छोटा ई और बड़ा ई दोनों। तो पहले ए का देखेंगे। ई को हम ए का उच्चारण करने के लिए भी शब्दों में यूज करते हैं, जैसे नेट, मैन, सेल, वेल, लेग, देन, वेट, वेन। फिर ए को ई के उच्चारण के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे बी, वी, ही, शी। तो ये सब आपको पढ़ पढ़ के सीखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि अगर हम या जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ई के उच्चारण की बात करें तो ई का जो उच्चारण है वो देने के लिए यहाँ पे ई का भी यूज किया जाता है कभी कभी, किसी किसी शब्द में डबल ई का भी यूज किया जाता है, जैसे ट्री, किसी किसी शब्द में आई का भी यूज किया जाता है। तो ई का उच्चारण देने के लिए अलग अलग वोवल्स का यूज किया जाता है, ई भी यूज किया जाता है, डबल ई भी किया जाता है, आई भी किया जाता है। तो आपको शब्दों के अकॉर्डिंग ये देखना होगा कि
क्या क्या उच्चारण किस किस शब्दों के होते हैं। जैसे अब यहाँ ई का हमने ई पढ़ लिया एज इन बी वी ही शी, अब डबल ई को भी हम ई ही पढ़ते हैं। यहाँ पे जो ई का उच्चारण आया सिंगल ई का, जब हमने ई के रूप में उच्चारण किया तो बी वी ही शी ये शॉर्ट हुआ, लंबा नहीं खींचा। लेकिन जब हम डबल ई का यूज करते हैं किसी वर्ड में तो वो ई जो है वो दीर्घ उच्चारण होता है। जैसे सी वीप, बी स्लीप, तो बी ई हो गया बी और बी डबल ई हो गया बी, तो बी और बी, बी ई हो गया बी यानी शॉर्ट उच्चारण, और बी डबल ई बी ई हो गया यानी लॉन्ग उच्चारण। अब आता है ई ए, ई और ए को एक साथ जब हम मिलाएं तो वो भी ई का ही उच्चारण हमें मिलता है। जैसे क्लीन सी हीट मीट। अब जैसे यहाँ पे आप बोलोगे सी, तो सी ई ए ये भी सी होता है और सी डबल ई ये भी सी होता है, दोनों का उच्चारण सेम है। लेकिन एस ई ए का मतलब होता है समुद्र और एस डबल ई का मतलब होता है देखना। तो यहाँ पे उच्चारण सेम है लेकिन दोनों शब्दों के जो मीनिंग है वो अलग अलग है। फिर आता है ई, अपनी कोई ध्वनि नहीं। यदि किसी शब्द के अंत में ई आए तो उसका अपना कोई उच्चारण नहीं होता है, और उसके पहले आए एक या एक से अधिक व्यंजनों को छोड़कर जो अन्य स्वर होता है उसका उच्चारण लंबा हो जाता है। जैसे पूर्ववर्ती ए आई ओ यू के साथ अंतिम स्वर ई का प्रयोग उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। तो यहाँ पे कभी कभी होता है कि ई का कोई उच्चारण नहीं भी होता है। तो ये कब होता है, अगर ये ए जो है ए के अगर बाद में होता है ई, यानी ई के पहले अगर ए आता है तो उस शब्द का जो उच्चारण होता है वो ए के लिए होता है और वहां पे ई साइलेंट हो जाता है। जैसे एस एच ए एम ई शेम, तो यहाँ पे ए जो है वो ई के पहले आया तो इसको हम शेम पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे ई लास्ट में आया है, ए के बाद आया तो ई का अपना कोई उच्चारण नहीं है, ये साइलेंट हो जाएगा तो ये हो जाएगा शेम। नेम लेम सेम। फिर उसी तरीके से अगर ई के पहले आई हो तो भी ई का अपना कोई उच्चारण नहीं होता है, जैसे वाइफ, तो यहाँ पे ई जो है आई के बाद आया है तो हमने इसे वाइफ कहा, हमने इसे वाइफे या वाइफी हमने ऐसा हम इसे नहीं पढ़ते हैं, हम इसे पढ़ते हैं वाइफ। एन आई एन ई नाइन, डब्ल्यू एच आई टी वाइट और लाइन। फिर इसी तरीके से ओ की बात करें तो अगर ओ होता है पहले ई के तो वहां भी ई साइलेंट हो जाता है, यानी अगर ए आई ओ यू ये जो चार वोवेल हैं, टोटल पांच वोवेल होते हैं, तो यहाँ पे हम ई की बात कर रहे हैं, तो अगर ई के पहले इन चारों में से कोई भी वोवेल आता है ए आई ओ यू तो वहां पे ई साइलेंट हो जाता है, ई का अपना कोई उच्चारण वहां पे नहीं होता है। जैसे एज इन रूल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रूल में ये यू जो है वो ई के पहले आया है, ई लास्ट में आया है और यू पहले आया है, तो यहाँ पे हमने इसको पढ़ा रूल, हम इसे रूले नहीं पढ़ेंगे या रूली नहीं पढ़ेंगे, हम इसे पढ़ेंगे रूल। तो यहाँ पे ई का आप देख रहे हो कोई उच्चारण नहीं है, तो रूल हम ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे कि हो आर यू एल, ये होता है रूल, लेकिन ये स्पेलिंग गलत है, आर यू एल ही होता है रूल। तो यहाँ पे ई का कोई उच्चारण हमने नहीं किया। वैसे ये ट्यून जून ट्यूब। अब ई डब्ल्यू का मिला के अगर हम यूज करें तो यू का उच्चारण हमें मिलेगा, जैसे फ्यू म्यू न्यू ड्यू। अब हम पढ़ेंगे आई के उच्चारण के नियम, तो आई के कैसे होते हैं, ई होता है और आई होता है और कभी कभी आई का अ जैसा भी उच्चारण होता है। तो ये कैसे होता है, पहले हम छोटी ई यानी ई जो छोटा प्रोनाउंसिएशन निकलेगा, छोटा उच्चारण होगा, वो हम सिंगल आई से पहले देखेंगे, जैसे आई डबल एल इल किल बिग विथ इंक शिप। तो यहाँ पे आई जो है वो ई का इसने काम किया लेकिन काफी ये छोटा उच्चारण था। अब बात करते हैं आई का आई के रूप में उच्चारण, जैसे कि आई एन डी काइंड, इसे हम किंड या केंड ऐसे हम नहीं पढ़ेंगे, हम इसे काइंड पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे आई का जो उच्चारण हमें मिल रहा है वो हमें मिल रहा है के आई एन डी आई के रूप में। जैसे माइल्ड बिहाइंड माइक बाइंड माइल, तो यहाँ पे हम आई का उच्चारण आई के रूप में ही कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐसे भी शब्द हैं जहाँ पे आई यानी छोटा आई या फिर आई यानी बड़ा आई, यानी छोटा स्वर और बड़ा स्वर दोनों आई की तरह हमें मिलता है, जैसे राइट साइट लाइट। तो यहाँ पे अगर जी एच के पहले आई आता है तो यहाँ पे आई का हमें उच्चारण मिलेगा। अब आई का अ की तरह भी उच्चारण किया जाता है कहीं कहीं किसी किसी शब्दों में, जैसे फर्म फर्स्ट, तो यहाँ पे हमने फाइर्स्ट या फार्म या फिर्म ऐसे हम नहीं करते प्रोनाउंसिएशन, बल्कि हम कहते हैं फर्म। तो यहाँ पे आई का जो निकला उच्चारण वो अ के रूप में निकला है, फर्म फर्स्ट। फिर आता है आई का आई के रूप में, जैसे फायर एडमायर,
इसे हम फायर या एडमायर नहीं बोलते, हम इसे फायर बोलते हैं। नहीं, आय का उच्चारण आएगा एडमायर। फिर आई ई या ई आई जब मिलाते हैं तो उसका उच्चारण भी डबल ई यानी बड़ी ई का आता है। जैसे हम डबल ई का उच्चारण करते हैं ना दीर्घ उच्चारण ई के रूप में, ये बड़ी ई वाली ई का, वैसे ही उच्चारण हमें आई ई या फिर ई आई को मिला करके भी मिलता है। जैसे ब्रीफ, सीज, अचीव, रिसीव, डिसीव। अब हम देखेंगे ओ के उच्चारण। तो ओ के बहुधा उच्चारण ये होते हैं ओ, उ, ऊ और अ। ये पांचों उच्चारण हमें ओ से मिलते हैं। जैसे पहले हम देखेंगे ओ, जैसे ऑक्स, ऑन, फॉक्स, हॉट, पॉट, स्पॉट, टॉप, ड्रॉप, डॉट, सॉफ्ट, नॉट, गॉड, गॉट। फिर कहीं कहीं किसी किसी शब्दों में हमें ओ की जगह ओ का भी उच्चारण मिलता है, यानी ये दीर्घ उच्चारण है। ये छोटा है और ये थोड़ा लंबा जाता है उच्चारण। जैसे ओपन, सो, होप, नो, ओल्ड, गोल्ड, होम, मोस्ट, जोक, पोस्ट। फिर हम ओ डब्ल्यू अगर यूज करते हैं तो हमें ओ का उच्चारण मिलेगा। जैसे लो, शो, रो। इसे हम राओ, क्राओ, साओ ये नहीं पढ़ेंगे, हम इसे ओ के उच्चारण से पढ़ेंगे, क्रो, सो। वहीं अगर हम डबल ओ यूज करते हैं एक साथ तो ये हमें ऊ का उच्चारण देता है। जैसे लुक, बुक, टुक, गुड। फिर किन्हीं किन्हीं शब्दों में जब हम डबल ओ फिर से यूज करते हैं तो ये हमें बड़े ऊ का उच्चारण देता है। तो जब हमने इन शब्दों में, या जैसे लुक, बुक, टुक, गुड, इनमें हमने जब डबल ओ का यूज किया तो ये हमें ह्रस्व उच्चारण यानी शॉर्ट उच्चारण मिला। और जब हमने यहाँ पे जो इन शब्दों में डबल ओ का यूज किया है वहां पे हमें दीर्घ उच्चारण मिलेगा। जैसे रूम, मून, बूट, नून, रूट। फिर ओ का हमें अ के रूप में भी उच्चारण कहीं कहीं मिलता है, जैसे सन, कम। और ओ डब्ल्यू का हमने यहाँ देखा था, ओ डब्ल्यू इस तरीके के शब्दों में इसमें ओ का उच्चारण मिलता है, जैसे लो, क्रो, सो। और किसी किसी शब्दों में आउ का मिलता है, जैसे हाउ, नाउ, काउ। फिर एक तरीका होता है ओ वाई, ओ वाई वाले शब्द भी हमें बहुत मिलते हैं जिसका उच्चारण हम आई के जैसे करते, ओय के जैसे करते हैं, जैसे जॉय, मॉय, बॉय, टॉय। फिर ओ यू को जब हम मिलाते हैं तो क्या उच्चारण निकलता है, आओ का स्वर निकलता है, जैसे आवर, सावर, आवर। तो आओ का स्वर हमें मिला ओ यू को मिलाने से। फिर अब यू के बात करेंगे तो यू जो है हमें क्या क्या उच्चारण देता है, हमें अ का उच्चारण देता है, ऊ का देता है, यू का देता है और यो का देता है। तो पहले अ का देखेंगे हम। तो अ जो है वो हमें कैसे मिलता है, अप, कप, हट, फन। तो इस तरीके के शब्दों में हम यू को अ के उच्चारण के लिए यूज करते हैं। फिर ऊ के उच्चारण के लिए भी यूज करते हैं, जैसे कि पुट, पुल, पुश, पुस। तो आप जैसे जैसे आप पढ़ोगे, अलग अलग वर्ड्स जानोगे, वैसे वैसे आपको खुद ही समझ में आएगा कि आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल पीयूटी है तो इसको आपको पुट पढ़ना है या आपको इसे पट पढ़ना है या आपको इसे प्यूट पढ़ना है। अब जैसे जैसे सीखोगे इंग्लिश को आपको खुद ही समझ में आएगा कि आपको इस वर्ड को कैसे पढ़ना है। तो ऐसे ही आप यहाँ पे भी कंफ्यूज होगे कि FUN तो फन है लेकिन PUT पुट कैसे है, FUN फुन क्यों नहीं है या PUT पट क्यों नहीं है। तो ये आपको सिर्फ प्रैक्टिस से ही आपके डाउट्स क्लियर होंगे। आप जैसे जैसे वीडियोस बढ़ते जाते हैं आप ध्यान से उन्हें देखिए और आप उन्हें अपने ध्यान में रखिए, रिवीजन करिए, जिससे आपको आगे आने वाले सेशंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बात करते हैं यू की, जो कि जहाँ पे यू हमें यू या फिर यो का उच्चारण देता है, जैसे ड्यूटी, श्योर, ड्यूरेबल, प्योर। तो यहाँ पे इन सारे शब्दों में यू से हमें यू या फिर यो का उच्चारण मिला। अब वाई के उच्चारण के भी नियम है। वाई भी जो है वो वोवेल तो नहीं है लेकिन वाई भी जो है वो उच्चारण के लिए यूज होता है, यानी वो भी कहीं कहीं स्वर जैसे काम करता है। स्वर नहीं है वाई, सिर्फ पांच स्वर है ए ई आई ओ यू, लेकिन वाई भी कहीं कहीं स्वर का काम करता है, जैसे पॉलीगैमी, फेलोनी, पॉलिसी। तो यहाँ पे जो वाई है इसने ई का उच्चारण हमें दिया और यहाँ पे इसने वोवेल ना होते हुए भी वोवेल का काम किया। फिर नेक्स्ट शब्द है जैसे टायर, टाइफाइड। तो यहाँ पे वाई हमने यूज किया आई का उच्चारण देने के लिए। फिर कहीं कहीं वाई जो है आई का भी उच्चारण देता है, जैसे डाइक, डायनेस्टी। इस प्रकार आपने स्वरों के विविध उच्चारण की जानकारी प्राप्त कर ली है। अभ्यास करके आप इसमें दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। आगे व्यंजनों के उच्चारण पर प्रकाश डाला जाएगा। तो इस तरीके से हमने स्वर के जो जितने भी उच्चारण है वो हमने कवर कर लिए।
और मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि आप प्रैक्टिस से ही इसमें जो दक्षता, यानी आप इसमें एक्सपर्ट तभी होंगे जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एक बार में आप बस एक चैप्टर पढ़ के या एक वीडियो देख के आप बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हो सकते। एक्सपर्ट होने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अब हम पढ़ेंगे साइलेंट लेटर्स यानी मूक अक्षरों के बारे में। अंग्रेजी के बहुत से शब्दों में कई अनुच्चारित या मूक अक्षर होते हैं। स्वर या व्यंजन दोनों में से कोई भी अनुच्चारित हो सकता है। इस विषय में अधिक विस्तृत जानकारी 15वें दिन के पाठ में दी गई है। नीचे उदाहरण के लिए मूक अक्षरों वाले कुछ शब्द आपके ज्ञान व अभ्यास के लिए दिए जा रहे हैं। तो अंग्रेजी में कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो कि साइलेंट होते हैं, यानी मूक होते हैं। मतलब कि उस जब हम वो शब्द लिखते हैं, जब हम वो वर्ड लिखते हैं, तो उस लेटर का वहां पे यूज होता है, लेकिन उस लेटर का कोई भी उच्चारण नहीं होता, कोई अपना प्रोनाउंसिएशन नहीं होता। वो सिर्फ स्पेलिंग में यूज होता है, उच्चारण में यूज नहीं होता है। तो जब हम 15वें दिन का जब हम पाठ करेंगे, तो 15वें दिन के सेशन में हम कवर करेंगे इसे डिटेल्स में। यहाँ पे अभी आपको उदाहरण के लिए कुछ दिए जा रहे हैं ताकि आपका नॉलेज हो, थोड़ी प्रैक्टिस हो। तो कुछ वर्ड्स में ए साइलेंट होता है, जैसे सीजर में ए साइलेंट है, क्योंकि यहाँ पे ए का उच्चारण कुछ भी नहीं आ रहा है ना। ना हम सेजर बोल रहे हैं, ना हम साइजर बोल रहे हैं, हम इसे सीजर बोल रहे हैं। तो सीजर हमें ऐसे लग रहा है जैसे कि हमने अब लिखा है CESAR, सीजर। तो यहाँ पे ए का उच्चारण यहाँ पे छूट गया है, लेकिन स्पेलिंग में हमने ए हमें लिखना है, तो यहाँ पे ए साइलेंट है। वैसे यहाँ पे हेमोग्लोबिन में भी ए साइलेंट है। फिर बी साइलेंट है क्रम्स। तो क्रम्स हम लिखते हैं, लेकिन बी को हम उच्चारण में नहीं लेते, हम सिर्फ बोलते हैं क्रम्स, CRUMS, ये हम बोलते हैं क्रम्स, लेकिन लिखते हैं बी भी बीच में, यानी हम क्रम्स नहीं बोलते, हम क्रम्स बोलते हैं, लेकिन हम लिखते हैं क्रम्ब। वैसे ही प्लम्बर, सक्कम, तो यहाँ पे बी साइलेंट है। फिर सी साइलेंट है, जैसे सेप्टर, सीजर। फिर डी साइलेंट है बजट, ब्रिज, मिजेट। तो यहाँ पे हमने बडजेट हमने नहीं बोला, ना हमने ब्रिज बोला, हम बोलते हैं बजट। तो बजट आप जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा जैसे कि बजट हम ऐसे लिख रहे हैं, BUGET। तो साउंड तो ये आ रहा है BUGET, बजट, लेकिन हमने ऐसे नहीं लिखना है, हमने लिखना है BUDGET। तो यहाँ पे डी जो है वो साइलेंट हो गया। फिर जी साइलेंट होता है, जैसे बिनाइन, डिजाइन, मलाइन। तो आप सुनोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि जी भी होता है स्पेलिंग में। जब आप डिजाइन बोलते हो, तो अगर आपको ये वर्ड का स्पेलिंग नहीं पता है, तो आपको ऐसा लगेगा कि जी इसमें कहीं यूज हुआ ही नहीं है। वो आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जी जो है वो इसमें साइलेंट है। डिजाइन है ना, इसमें ऐसा लगता है कि DESIN स्पेलिंग है, बट जी साइलेंट होने की वजह से हमें जी का पता नहीं चलता। फिर जैसे कुछ वर्ड है जिसमें एच साइलेंट है, जैसे ऑनररी, ऑनेरियम। तो ऑनररी जब हम सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ऑनररी ओ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये स्टार्ट होता है एच से। तो यहाँ पे हम हॉनरी या हॉनेस्ट नहीं बोलते, हम बोलते हैं ऑनेस्ट, है ना। ऑनेस्ट की स्पेलिंग होती है HONEST। तो यहाँ पे एच जो है वो साइलेंट है, हमें ऐसा लगता है कि हम ओ से स्टार्ट कर रहे हैं ऑनेस्ट, बट ये स्टार्ट होता है एच से। फिर बात करते हैं के की। तो ऐसे वर्ड्स जहाँ पे के साइलेंट है, जैसे नाइफ। तो नाइफ सुनोगे तो लगेगा कि एन से स्टार्ट हो रहा है नाइफ, क्योंकि हम कनाइफ तो नहीं बोल रहे हैं, के साइलेंट है, नाइफ यानी एन का उच्चारण इसमें आ रहा है, नाइफ। नॉक, नकल। एल जैसे कि आर्म्स, बाम। पी साइलेंट है इसमें साइके, साइकेट्रिस्ट। तो हमने पी तो लिखा है स्टार्टिंग में, लेकिन हम पी को उच्चारण में नहीं ले रहे हैं, हम एस से उच्चारण शुरू कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं साइकेट्रिस्ट। हम पी का यूज इसमें उच्चारण में कहीं भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हम स्पेलिंग लिख रहे हैं तो हम पी यूज कर रहे हैं। फिर टी साइलेंट है, जैसे सार, फैसन, नेसल। आर साइलेंट है आयन, वर्ल्ड। इसमें हम आयरन नहीं बोलते, हम आयन बोलते हैं, हम वर्ल्ड नहीं बोलते, हम वर्ल्ड बोलते हैं। फिर डब्ल्यू जैसे रैथ, हम इसमें व्रैथ नहीं बोलते हैं, हम आर से शुरू करते हैं प्रोनाउंसिएशन, रैथ, और डब्ल्यू होता है साइलेंट। रैप, यहाँ पे भी आर से शुरू हुआ प्रोनाउंसिएशन, रैप, रैक। याद रखें, फैन, फॉल, फेल, फार, इन शब्दों में क्रमशः एक का उच्चारण फैन यानी ए, फॉल यानी ओ, फेल यानी ए, और फॉर यानी ओ, फार यानी आ होता है। ऐसे और शब्द को ढूंढिए और सामान्य नियम जानने की कोशिश भी कीजिए। तो ऐसे ये चार शब्द आपको दिए गए, इसमें सब में ए यूज हुआ है, लेकिन चारों शब्द के जो उच्चारण है वो बिल्कुल अलग है। जैसे एफ एन को हम फैन पढ़ेंगे, तो एफ ए डबल एल को हम फैल नहीं पढ़ेंगे, हम फॉल पढ़ते हैं। एफ ए आई एल को वही हम फेल पढ़ते हैं, और एफ ए आर को हम फार पढ़ते हैं। यानी हमें फैन यानी ए, फॉल यानी ओ,
फेल यानी ए और फार यानी आ का उच्चारण मिलता है। तो आपको ऐसे शब्द ढूंढने हैं जहाँ पे तीन चार शब्द ऐसे हो जिसमें ए ई आई यू वोवल का यूज किया गया हो, लेकिन उन सारे शब्दों के उच्चारण बिल्कुल अलग हो। अब नेक्स्ट है वेट, बी सी। इन शब्दों में क्रमशः ई का उच्चारण वेट में बी सी होता है, अर्थात ए ई और ई। वैसे ही शेम, लाइन, होप में ई का उच्चारण कुछ नहीं होता। तो शेम में हम ई का उच्चारण नहीं कर रहे हैं, लाइन में भी हम ई का उच्चारण नहीं कर रहे, साइलेंट है ई। होप में भी हम ई का उच्चारण नहीं कर रहे हैं। तो पहला स्वर ए आई ओ यू कुछ और दीर्घ हो जाता है। आई का अ भी उच्चारण होता है, क्या आपको पता है? देखिए, जैसे फर में आई का उच्चारण अ के तरीके से यूज हुआ है, और आई का उच्चारण आई भी होता है, जैसे फायर। ये सब हमने अभी ऊपर पढ़ा है। डबल ओ का उच्चारण बड़े ऊ जैसे उच्चारण के लिए यूज किया जाता है, जैसे रूम। और छोटा ऊ का होता है जैसे बुक, लुक। तो रूम में हमने बड़ा ऊ का उच्चारण किया डबल ओ के लिए, और जो हमने बुक और लुक लिखा तो वहां पे डबल ओ से हमें क्या उच्चारण मिला? छोटा ऊ का। फिर ओ का उच्चारण ओ तथा यू का उच्चारण ऊ होता है। ओ या यू का अ भी होता है, जैसे सन और सन। इस पाठ के आधार पर आप सभी स्वरों के नए उच्चारण पुस्तकों में से ढूंढते रहने की आदत डालिए। आप देखेंगे कि आपके सामने अंग्रेजी भाषा के नए नए रहस्य खुलकर आएंगे। मूक अक्षरों पर भी ध्यान दीजिए। तो आज आपने ये चैप्टर पढ़ लिया। अब जब भी आप नेक्स्ट टाइम कोई बुक पढ़ें या न्यूज़पेपर पढ़ें या आप कुछ भी पढ़ते हैं, तो आप वहां पे कोशिश कीजिए कि आप ऐसे वर्ड्स पे ध्यान दें जैसे फॉल है, फेल है, फील है। तो आप ऐसे वर्ड्स के उच्चारण पे ध्यान दें, और जो साइलेंट वर्ड जो हमने सीखे जिसमें ई साइलेंट है या टी साइलेंट है या एम या फिर के साइलेंट है, ऐसे वर्ड्स पर भी आप ध्यान दें। और जैसे जैसे आप पढ़ेंगे और नए नए वर्ड सीखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इंग्लिश में कितने सारे अलग अलग नियम हैं, अलग अलग तरीके हैं वर्ड्स को पढ़ने के, बोलने के और सीखने के। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को दबाएं, और इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगले सेशन में विथ अ न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।